तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आई थी पिछले साल ही, एक लो बजट मूवी। लगभग उसका बजट 6 करोड़ था और उसने लगभग बॉक्स ऑफिस के ऊपर 3 गुना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। सो दोस्तों, एक साइको थ्रिलर मूवी थी दोस्तों, और आप इस मूवी को देखने के बाद भी पता नहीं लगा पाओगे, एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस फिल्म का हीरो कौन है और विलन कौन है। तो एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यार आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो मूवी रिलीज हुई थी एनिमल और सेम बहादुर के साथ 1 दिसंबर 2023 को। फिल्म का बजट था मात्र 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन किया था लगभग 20 करोड़ का। फिल्म के अंदर मेन लीड थे हरीश कल्याण। फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब ज़्यादा प्यार दिया था और ऑडियंस ने इसको खुले बाहों से स्वीकार किया था। सो दोस्तों, इस फिल्म का नाम है पार्किंग। इस फिल्म के अंदर दो लोगों को लड़ाई को दिखाया गया था जो कि बहुत ही सामान्य किस्म की लड़ाई थी दोस्तों। यह लड़ाई एक कार को पार्क करने को लेके थी दोस्तों। शुरुआत में बहुत ही स्लोली इनके बीच मन मुटाव होता है और धीरे धीरे कहीं जाके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप कहानी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अपने परिवार को छोड़ के, इनकी नौकरियों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर लड़ते झगड़ते हैं एक कार पार्क की स्पॉट को लेके, कि नहीं इस जगह कार को मैं ही पार्क करूंगा। इस फिल्म का क्लाइमेक्स इतना ज़्यादा तगड़ा था कि सच में जैसा मैंने पहले बोला है आपको कि आप एंड तक गेस नहीं कर पाओगे कि इसका हीरो कौन है और विलन कौन है, किसने किसके साथ गलत किया, किसने किसके साथ सही किया। अगर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करूँ तो फिल्म को डायरेक्ट किया है बाला कृष्णन ने। और दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो। अगर इसकी IMDB की बात करूँ तो दोस्तों आप शॉक्ड हो जाओगे, 8.1 रेटिंग है दोस्तों इसकी। सो दोस्तों प्लीज जाइए और चेकआउट करिए। 101 श्योर परसेंट के साथ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिल्कुल इस मूवी को एंजॉय करोगे। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, किरदार बहुत सिंपल है, देखने में आपको बहुत मजा आएगा और आपके लाइफ के दोस्तों कुछ चीजों को ये छू के जरूर जाएगी और आपको अपनी सी कहानी भी लगेगी देखते समय। सो दोस्तों ये था यार इस मूवी का रिव्यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।